आज नेताजी कांग्रेस सेना का तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा इलेक्शन में अक्का पूना में 21 ठिकाना है, मतदार संघ है, 21 मतदार संघ में लोगों को टिकट देना, इलेक्शन लड़ने के लिए हम तैयार हो गया है। हमारा पार्टी, हमारे कमेटी निर्णय लिया है और पूना का बाहर भी कुछ जिला में हम लोगों को संपर्क रखा है, हमारे से संपर्क रखा है, उचार लोगों को हम टिकट देना चाहते हैं। अभी अड़े महीना इलेक्शन के लिए बाकी है और ये जो समय पर बीजेपी सरकार जो काम करते आया उसमें हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारा एडुकेशन सिस्टम पूरा गलत हो गया है, बेरोजगार बहुत बढ़ गया है और पीछे का सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ाते आया तो बीजेपी सरकार आने के बाद और ज़्यादा बढ़ाया, लेकिन कोई फर्क नहीं हो गया। जो हमारा देश में अनेक फैक्ट्री कंपनी बंद होने का वक्त में आया है और प्रोडक्शन जो कुछ प्रोडक्शन था उसमें 50% खत्म कर दिया और कामकार लोग आज 10 करोड़ लोगों का काम ये सरकार आने के बाद नुकसान कर दिया और वो वादा किया हुआ लोगों को काम धंधा भी नहीं, एडुकेटेड लोगों को नौकरी नहीं, ऐसा हमारा देश बहुत बुरा हाल में देश का बुरा हाल हो चुका है और इस पे का जवाबदारी सरकार लेना मांग दे। लेकिन बीजेपी सरकार ईवीएम का वजह से, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का फॉल्ट का वजह से और जो मणि पावर का वजह से और जो मीडिया सपोर्ट करने का वजह से जो सरकार आ गया है, और ये सरकार परमानेंट सरकार नहीं, अभी 5 साल के लिए ठीक है, लेकिन ये 5 साल तक जनता का क्या हाल हो जाएगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा भीती हो चुका है।